हे एवरीवन, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पावर बैंक को हम आज ओपन करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि 10,400 mAh इसमें लिखा हुआ है। ये क्लेम करता है कि इसमें 10,400 mAh इसका कैपेसिटी है इस पावर बैंक का। और ये पावर बैंक अगर आप देखेंगे यहाँ पर चाइनीज़ में लिखा हुआ है और DC 5V 2A लिखा हुआ है, चाइनीज़ में लिखा हुआ है और 10,400 mAh यहाँ पर क्लेम कर रहा है। तो अब हम देखेंगे इसमें कि रियलिटी इसमें क्या है, इसको ओपन करके देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो इसका साइज से मुझे पता लगता है कि 3-4 ही यहाँ पर आपका लिथियम आयन बैटरी ही यूज़ किया गया होगा। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें कितना लिथियम आयन बैटरी करा गया। तो उसके लिए हमको एक इस तरह का टूल चाहिए, इससे हम ओपन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पावर बटन है, ये इसका चार्जिंग के लिए और ये आउटपुट के लिए है। तो इसको यहाँ से खींचने से जो है, इसको अगर हम खींचते हैं, थोड़ा टाइट है, तो देखिए ये खींचने पर ये अंदर से निकल रहा है। तो ये देखिए क्लियरली यहाँ पर डबल टेप लगाया हुआ है, बहुत ही सस्ता जुगाड़ इसमें किया गया है। तो डबल टेप के साथ यहाँ पर देखिए चार बैटरीज है, चार लिथियम आयन बैटरी है, 1, 2, 3, 4। और अगर चार बैटरी को आप पैरेलल में भी लगाते हो तो कितना बनेगा, देखिए यहाँ पर है 1500 mAh लिखा हुआ है। देखिए 1500 mAh लिखा हुआ है, 1500 mAh को अगर आप चार बैटरी को पैरेलल में भी लगाते हो, 15 × 4, 15 × 4 कितना बनता है, 6000 बनता है, 15 × 4 6000 बनता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 6000 mAh का आउटपुट देना चाहिए, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, 10,400। तो ये है इस चाइना पावर बैंक की असलियत। लेकिन इसमें एक मॉड्यूल लगा हुआ है जो कि पावर बैंक मॉड्यूल है, और इस मॉड्यूल के सहारे हम एक सही से ज़्यादा mAh वाला, ज़्यादा कैपेसिटी वाला हम बना सकते हैं। तो इसको ठीक से मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कुछ हुक्स हैं, तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, स्पष्ट आप देख सकते हैं, ये है, देखिए चार बैटरी है और हर बैटरी जो है 1500 mAh का बैटरी है। 1500 mAh को अगर हम 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6000 mAh निकल के आता है, लेकिन ये इसमें क्लेम कर रहा है कि इसमें 10,000 mAh है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये देखिए, ये पावर बैंक मॉड्यूल है, इसके यूज़ करके हम एक नया पावर बैंक बना सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाऊँगा उसमें आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।